मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नहीं थम रहे हैं रिश्वतखोरी के मामले। सागर लोकायुक्त के पिछले चार दिनों में दूसरी बड़ी कार्यवाही, 30,000 रुपए की रिश्वत लेते वन विभाग के स्थापना बाबू अनिल मिश्रा को सागर लोकायुक्त टीम ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। वन विभाग के ही वन कर्मी दिनेश अहिरवार से बीट बदलवाने के लिए मांगी थी रिश्वत। दिनेश अहिरवार ने सागर लोकायुक्त से रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अनिल मिश्रा को ट्रैप करने के बाद ढोंगा स्थित निवास से लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए कार्यवाही की प्रक्रिया को सर्किट हाउस में किया गया। रिश्वत मांगने वाले बाबू अनिल मिश्रा पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। नाम है आपका? दिनेश अहिरवार। वन रक्षक बीट गार्ड घुसी पे अभी पदस्थ है, रेंज निवाड़ी पड़ती है हमारी। जी कौन थे जिनको आपने? जी हमारे यहाँ पे बाबू हैं, हमारे स्थापना में अभी काम देखते हैं अभी एक ही दो महीने से लगभग। तो हमारा अभी तीन महीने लगभग पहले यहाँ पे पोस्टिंग की थी डीएफ साहब ने, और मतलब जे इन्होंने दूसरे के माध्यम से बुलवाया और परेशान कर रहे थे कि या तो वहीं पे रहना है तो 15,000 लगेंगे और अगर दूसरी बीट पे जाना है तो तुम्हें 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमने शिकायत की थी और हमने 17 तारीख को हमने लोकायुक्त में शिकायत की थी वहीं जाके सागर में, और आवेदन जी अभी 15-20 दिन लगभग। कितने की रिश्वत दी आज? आज हमने 30,000 रुपये उसने मांग की थी, 30,000 रुपये हमने दिए थे उसको। कहाँ ट्रिप करवाया आपने? उसी के घर के बाजू में जो अपना कार्यालय वनमंडल टीकमगढ़ है, तो उसी के बाहर इन्होंने बुलाया हमें, तो वहीं पे हमने आंगनवाड़ी केंद्र है तो उसी के जस्ट सामने मैंने पैसे दिए थे उनको। चलो कार्रवाई हुई है, किसको ट्रैप किया है? आज हमने वन मंडल कार्यालय के बाबू अनिल मिश्रा को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। इनने जो आवेदक है दिनेश अहिरवार, एक शिकायत की थी कि हमारी बीट परिवर्तन करने के लिए डीएफओ साहब से बीट परिवर्तन करवाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। हमारे द्वारा उनको उस तस्दीक कराया गया, तस्दीक में सही पाया गया और आज जो है हमने उसको 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सर जमानत पे छोड़ोगे? सर जेल भेजोगे? अभी कार्रवाई जारी है। कहाँ से गिरफ्तार? ये इसका निवास है इको सेंटर इनके डीएफओ कार्यालय के पास में, वन मंडल कार्यालय के पास में, वहाँ से हमने इसको जो है पकड़ा है। सर कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई की? भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।